Hey there, my name is Kanchan and you're watching me on English Connection. Guys, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ short phrases. If you want to speak like a native speaker, if you want to sound like a native speaker, then you need to learn these short phrases. Short phrases are something that you can use in your day-to-day conversation. And let me tell you guys, you are really going to speak English fluently if you practice them over and over. So guys, this is the key to start speaking. If you think that I cannot speak English properly, then you are wrong. You are going to speak English fluently with the help of these short phrases. Because you need to learn the situation only if you know what phrase you should use in a particular situation, you are going to rock. And believe me guys, what short phrases I am going to teach you today, they are going to help you a lot. And the phrases what I have already taught, you should practice them as well. So let's start. The first one is, that's the spirit. Iska matlab, ye hui na baat. Suppose ki koi himmat haar gaya hai and he is going to give up. At that moment, you are trying to instill confidence in him. And all of a sudden, the person says, yes, I'm gonna do it again. I'm gonna try once again. I'm gonna give it one more try. So, at that moment, you would say, that's the spirit. Ye hui na baat. Tum kar loge. You can do it. That's the spirit. Wahan pe aap isse use karenge. Next is, the more the merrier. Matlab, jitna jyada, utna achha. This phrase you can use for people or for things. ठीक है, तो अगर चीजें हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं और किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लीजिए आप कोई पार्टी दे रहे हैं और आपकी सिस्टर आपसे कहती है, डू यू माइंड इफ आई ब्रिंग अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स टू योर पार्टी. मतलब कि तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है अगर मैं अपने कुछ दोस्तों को तुम्हारी पार्टी में लेकर आऊं. तो आप क्या जवाब देंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. द मोर द मेरियर, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही मजा आएगा. सो इस सिचुएशन में आप इसे यूज करेंगे. इसी तरीके से सामान के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि जितना ज्यादा सामान होगा उतना ही अच्छा होगा. द मोर द मेरियर. नेक्स्ट इज, नो हार्ड फीलिंग्स. मतलब कोई नाराजगी नहीं है. यह आप कब यूज करेंगे? सपोज कि कल आपकी किसी से बहस हो गई, उसने आपको कुछ सुना दिया एंड नेक्स्ट डे यानी कि आज वो आपसे मिला और वो कहता है, आई एम रियली सॉरी, आई शुडंट हैव सेड दैट. मतलब कि मुझे माफ कर दो, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था. तो आप क्या बोलेंगे? इट्स ओके, नो हार्ड फीलिंग्स. मतलब कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है, जो भी तुमने कहा वो मैंने दिल पे नहीं लिया है. नो हार्ड फीलिंग्स, आगे सब ठीक रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज, योर राइट. योर राइट, इसे प्रोनाउंस आप योर ही करते हैं, जैसे वाई ओ यू आर को प्रोनाउंस करते हैं, द सेम. योर, योर राइट मतलब आप सही कह रहे हैं. तो अगर कोई कोई बात कह रहा है और आपको लग रहा है वो सही है, तो एक लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलने के बजाय आप इतना बोल सकते हैं, योर राइट. मतलब आप ये कहने के बजाय, वॉट यू आर सेइंग इज एब्सोल्यूटली राइट, ये कहने के बजाय आप सिंपली बोल दें, योर राइट. नेक्स्ट इज, नो नीड. मतलब कोई जरूरत नहीं है. या आप तब यूज करेंगे जैसे कि सपोज कि आपके घर से कोई कहीं जा रहा है और आप उससे पूछते हैं, डू यू वॉन्ट मी टू पिक यू अप टूडे, क्या तुम चाहती हो कि आज मैं तुम्हें लेने के लिए आऊं? तो वो कहती है, नो नीड, आई विल कम बाय टैक्सी. कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी. तो इस तरीके से आप इसका यूज करें. नेक्स्ट इज, हेल्प योर सेल्फ. हेल्प योर सेल्फ का मतलब होता है, पूछो मत, ले लो. सपोज कि घर में कोई भी खाने पीने की चीज है या फिर डाइनिंग पे ही आप बैठे हैं और वहां पे आपसे कोई ये पूछता है कि क्या मैं सूप ले लूं, तो आप बोल सकते हैं, हेल्प योर सेल्फ. मतलब पूछो मत, ले लो, भाई खाने के लिए ही है, ले लो. ठीक है, नेक्स्ट इज, गुड कॉल. मतलब बहुत सही, बहुत बढ़िया. ये आप कब बोलते हैं? जब आप ये कहना चाहते हैं कि सही डिसीजन है, बहुत सही डिसीजन लिया तुमने, गुड कॉल. मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, उसने कोई जॉब अब कर ली जिसके बारे में वो पहले डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था, आपसे शायद उसने राय मशवरा भी किया हो, अब उसने जॉब कर ली, तो आप कहते हैं, गुड कॉल, बहुत सही डिसीजन लिया तुमने, गुड कॉल. नेक्स्ट इज, टेक योर पिक. इसका मतलब होता है, जो लेना है चुन लो. मतलब आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं किसी भी चीज में से. सपोज कि मैं आपके सामने तीन चॉकलेट्स रख दूं, अमूल, डेयरी मिल्क एंड कैडबरी, और मैं बोलूं, टेक योर पिक.
दैट मीन्स कि उसमें से जो आपको पसंद हो ले लें। वैसे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आपके सामने ये तीन चॉकलेट्स हैं तो आप कौन सा लेंगे। नेक्स्ट इज आर यू किडिंग मी, मतलब क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं आर यू किडिंग। ये आप तब बोलते हैं जब आपको किसी की कही गई बात पे विश्वास ही ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे बोलता है द टेस्ट इज टुमारो, कल टेस्ट है, तो आप बोलेंगे आर यू किडिंग मी, वो बोलता है नो इट्स ट्रू, है ओके इस सिचुएशन में। नेक्स्ट इज यू गॉट टू बी किडिंग मी, ये भी इसका भी मतलब वही है, वहां क्वेश्चन था यहाँ पे यू गॉट टू बी किडिंग मी, मतलब पक्का ये मजाक है, ये सच नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, यू गॉट टू बी किडिंग मी। तो मान लीजिए कोई आपसे ये बोले कि बॉस हैज फायर्ड यू, बॉस ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, यू गॉट टू बी किडिंग मी, विश्वास ही नहीं हो रहा आपको इस बात पे, ठीक है। नेक्स्ट इज लीव इट विद मी, इसका मतलब है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई ऐसी चीज जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, खराब है कोई चीज और कोई और है आपके घर में जो उसे ठीक कर सकता है, तो वो आपसे आके क्या बोलेगा, लीव इट विद मी, आई विल सॉर्ट इट आउट, मैं ठीक कर दूंगा, मैं देख लूंगा, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आर यू इन अ मूड, आर यू इन अ मूड मतलब खुन्नस में हो क्या, सो इन अ मूड का मतलब हो गया इन अ बैड मूड, तो यहां इसका मतलब है कि मूड खराब है क्या, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं अगर किसी का मूड खराब है या कोई खुन्नस में है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि द बॉस इज इन अ मूड, ठीक है। यहाँ क्या मैंने बोला, द बॉस इज इन अ मूड, मान लीजिए कि आप कल नहीं गए थे ऑफिस, फिर जब आप दूसरे दिन जाते हैं तो आप अपने कॉलीग से पूछते हैं कि बॉस का मूड कैसा है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा द बॉस इज इन अ मूड, मतलब कि बॉस का मूड खराब है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, आई एम सॉरी टू हियर दैट, ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है। अगर आप कोई भी दुखद समाचार किसी से सुनते हैं, सपोज आपने किसी से बोला हाय हाउ आर यू, मान लीजिए आपने टेक्स्ट ही किया और किसी के बारे में पूछा और वो बताता है ही इज नो मोर और शी इज नो मोर, तो आप उस पर क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी टू हियर दैट, जो आपने कहा उस बात का मुझे दुख है, आई एम सॉरी टू हियर दैट। Now the next one is give me a hand please, इसका मतलब होता है जरा मदद करना। Suppose you are trying to move a table and it's so heavy that you cannot move it even a bit, तो आप किसी को बोलते हैं give me a hand please, मतलब कि आप क्या मेरी मदद करेंगे इस टेबल को उठाने में, सो गिव मी अ हैंड प्लीज। तो अगर आप क्वेश्चन के तरीके से पूछना चाहते हैं क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो आप बोल सकते हैं can you give me a hand please, और साथ ही साथ अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं वेट आई विल गिव यू अ हैंड। तो आप एक नया फ्रेज सीखते हैं जो कि है आई विल गिव यू अ हैंड, वेट रुकना मैं मदद करता हूं, आई विल गिव यू अ हैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है। सो इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन जो अभी चल रहा है कोरोना वायरस एंड ऑल, आपको क्या लगता है कि क्या होगा, तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, दैट मींस कि आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है, तब आप इसे पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक। नेक्स्ट इज आई अग्री 100%, ये आप तब यूज करते हैं जब आप ये कहते हैं मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे, ठीक है, तब आप बोलते हैं, जैसे आप सिर्फ इतना बोलते हैं आई अग्री विद यू, तो वहां आप बोल सकते हैं आई अग्री 100%। नेक्स्ट इज आई से, इसका भी मतलब होता है आई अग्री, मैं आपसे सहमत हूं, तो दिस इज अ शॉर्ट फ्रेज, इफ यू वांट टू से समवन आई अग्री तो आप बोल सकते हैं आई से। नेक्स्ट इज वेयर वॉज आई, मतलब तुम्हें कहां थी, अगर कोई लड़का है तो बोलेगा तुम्हें कहां था, तो ये आप यूज कब करेंगे, इसका मतलब ये नहीं आप खो गए हैं, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप स्टेज पे कोई लेक्चर दे रहे हैं एंड मीनवाइल आपको कोई कॉल आ जाता है या आपसे कोई और किसी वजह से बात करने लगता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर जैसे आप वापस बोलना शुरू करते हैं तो आपको क्या याद आता है, कुछ भी नहीं, आप भूल जाते हैं कि आप क्या बोल रहे थे, उसमें आप बोलेंगे वेयर वॉज आई। इसी तरीके से अगर आप एक ग्रुप कॉन्वर्सेशन चल रही है उसमें अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं वेयर वर वी, मतलब हम कहाँ थे, जो भी बात कर रहे थे बोल आप अपने लिए ही रहे हैं लेकिन क्या बोलेंगे वेयर वर वी, सी यू लेटर,
इसका मतलब होता है बाद में मिलता हूँ या बाद में मिलती हूँ। तो इसमें क्या है कि जब आप किसी से दूर जाने लगते हैं तो अलविदा कहते हैं, गुड बाय कहते हैं। एंड सपोज कि अगर आप सुबह किसी से मिलते हैं और शाम को आपको उससे फिर मिलना है तो आप सी यू लेटर, बाद में मिलती हूँ। कोई भी चीज़ इतनी आसान हो जाती है अगर आपको कोई अच्छे से समझाने वाला हो। तो मैं आपको सिचुएशंस भी बताती जा रही हूँ, साथ ही साथ मैं ऐसे फ्रेजेस देती जा रही हूँ जो आप इस सिचुएशन में यूज़ कर लें। तो ज़रा आप एक ही बात बता दीजिए मुझे कि अगर आपको सी यू लेटर बोलना हो तो क्या इसके लिए आपको कोई ग्रामर सीखनी पड़ी, कुछ आपको सीखना पड़ा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ ये तीन वर्ड्स मिल गए, सिचुएशन मिल गया। अगर आपको किसी से थोड़ी देर बाद मिलना है तो आप बोल दीजिए सी यू लेटर, मतलब कि बाद में मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे फ्रेजेस हैं। इस वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी में कमाल के साबित होने वाले हैं और आप इन फ्रेजेस को बोल के कमाल की इंग्लिश भी बोलने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अब है कि सी यू लेटर के अलावा आप क्या बोल सकते हैं, तो एक और है अगर आप और कैजुअल वे में बोलना चाहते हैं कैजुअल स्पीकिंग के लिए, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कैच यू लेटर, ठीक है, कैच यू लेटर, मतलब कि बाद में मिलता हूँ, कैच यू लेटर। तो इन फ्रेजेस को आप अपने जबान पे सेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मौका मिले जरूर बोलिए। नेक्स्ट इज ऑलराइट देन, इसका मतलब ठीक है फिर। जैसे मान लीजिए आपने जिससे भी बोला सी यू लेटर, ठीक है फिर, ऑलराइट देन, सी यू देन, मतलब कि तब मिलते हैं। तो एक और आपको मिल गया क्या, सी यू देन, कि जब की बात तुम कर रहे हो तब मिलेंगे, तब मिलते हैं, मतलब जब तुम कह रहे हो तब मिलते हैं, सी यू देन। तो आपको ये एक और फ्रेज मिल गया। नेक्स्ट कीप इन टच, कीप इन टच का मतलब मिलते रहना। अब जैसे आपने किसी से गुड बाय बोला, कोई जा रहा है और आप काफी दिनों बाद मिले हैं उससे, तो आप यही कहते हैं ना, मिलते रहना, टच में रहना, ऐसे भी आप बोलते हैं। तो उसके लिए आप बोलिए कीप इन टच। अब चाहे आप मिलते रहें या फिर आप फोन कॉल्स के जरिए टच में रहें, लेकिन टच में रहने के लिए आप बोल सकते हैं कीप इन टच। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ रिलीफ, इसका मतलब जान में जान आई। किसी भी चीज को लेकर अगर आप ये बोलते हैं जान में जान आई, तो आप इसे बोल सकते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आप एसी वाले रूम में चले जाते हैं तो भी आप कहते हैं जान में जान आई, या फिर लाइट नहीं और लाइट आ जाती है, फैन चलने लगता है, तो आप कहते हैं जान में जान आई, तो आप कैसे बोलेंगे, व्हाट अ रिलीफ, ठीक है। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है जरा रुकना, थोड़ा रुकना। तो अगर आप किसी को अभी तक यही बोलते रहे हो वेट अ बिट, वेट फॉर अ व्हाइल, तो आप अब से होल्ड ऑन भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, अगर मान लीजिए कोई कुछ करने जा रहा है, होल्ड ऑन, जरा रुकना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट से, व्हाट से का मतलब क्या कहते हो या क्या ख्याल है। तो बेसिकली यहाँ क्या चाहते हैं, किसी का सजेशन। आपने किसी से कुछ पूछा, कुछ बोला और पूछा व्हाट से, क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। मान लीजिए आप यही कह रहे हैं कि चलो आज बाहर पार्टी करते हैं, व्हाट से, क्या कहते हो, तो इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, इसके लिए व्हाट से। अब नेक्स्ट क्या है, उल्टा हो गया, से व्हाट, से व्हाट, इसका मतलब क्या कहा। तो कई बार जब आप कोई चीज सुन नहीं पाते तो आप कैसे बोलते हैं, से व्हाट, क्या कहा, मतलब कि फिर से बोलो, इसके लिए ये यूज होता है, से व्हाट, इस तरीके से। नेक्स्ट इज नाउ व्हाट, या फिर व्हाट नाउ, दोनों का मतलब सेम है, अब क्या। तो चाहे आप आगे कर लें इसको, नाउ को, चाहे बाद में लगा दें, मतलब अब क्या। तो मान लीजिए कोई भी चीज है उसमें आप अगला स्टेप ही पूछ रहे हैं कि अब क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं नाउ व्हाट या फिर व्हाट नाउ, दोनों ही। और इसी तरीके से अगर आप किसी चीज में फंस जाते हैं तो आप कहते हैं अब क्या, अब क्या, व्हाट नाउ या नाउ व्हाट। नेक्स्ट वन इज विद हुम, इसका मतलब किसके साथ। सपोज कि आप अपनी माँ से बोलते हैं कि आई एम गोइंग फॉर अ मूवी, मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ, तो आपकी मम्मा क्या पूछेंगी, किसके साथ, विद हुम, वहां पे ये सवाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज हाउ मच इज इट, या फिर हाउ मच इज दिस, इसका मतलब ये कितने का है। तो अगर आपको किसी चीज की प्राइस पूछनी हो, कीमत पूछनी हो, तो आप हाउ मच लगाएंगे, इज लगाएंगे अगर एक चीज की बात है, और अगर एक से ज्यादा है तो क्या लगाएंगे, आप आर लगाएंगे और उसके आगे दीज लगाएंगे। तो अगर एक चीज के लिए पूछे हाउ मच इज इट या हाउ मच इज दिस, और अगर एक से ज्यादा है हाउ मच आर दीज। तो गाइज ये फ्रेजेस हैं, ये ऐसे यूज होते हैं, इवन आप सिर्फ हाउ मच भी बोलते हैं। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कोई चीज उठा के प्राइस पूछते हैं, हाउ मच, दैट्स इट,
हाउ मच, इतना पूछ रहे थे, मतलब कितने का है, तो ना तो वो इज आर दीज इट कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ हाउ मच बोल देते हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट्स द रश या फिर व्हाट्स द हरी, मतलब कि जल्दी क्या है, किस बात की इतनी जल्दी है, व्हाट्स द रश व्हाट्स द हरी। तो अगर कोई बहुत जल्दी में हो तो आप ये सवाल उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंस व्हेन, मतलब कब से, जो सपोज कि मैं आपसे बोलूं कि मैं डांस सीख रही हूं तो आप पूछें कब से, तो आप क्या पूछेंगे, सिंस व्हेन। ओके सो गाइज नेक्स्ट इज हाउ शुड आई नो या फिर हाउ डू आई नो, दोनों में से एक आप यूज करेंगे, या तो शुड या तो डू। इसका मतलब होता है मुझे कैसे पता होगा, मान लीजिए कोई आपसे कुछ ऐसी चीज पूछ ले जिसका कि आपसे ताल्लुक नहीं है, तो आप ऐसे ही कहेंगे ना, मुझे कैसे पता होगा, हाउ शुड आई नो या फिर हाउ डू आई नो। मान लीजिए कोई आपसे यही पूछ ले कि सलमान ने शादी क्यों नहीं की, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। नेक्स्ट इज हु नोज, हु नोज आप यूज करते हैं जब आपको कहना हो किसे पता या फिर कौन जाने, हु नोज। इस पे कई बार जवाब ये भी आता है भगवान जाने, तो वहां बोल सकते हैं गॉड नोज, मतलब भगवान जानता है, गॉड नोज। नेक्स्ट इज हु कैन से, ये सिमिलर ही है दोनों, हु कैन से का मतलब क्या पता, तो ये हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम ये कहना चाह रहे हैं किसी को क्या पता भविष्य में क्या होगा। मान लीजिए आपसे यही सवाल पूछा जाए, तुम्हें क्या लगता है कि सलमान शादी करेगा, तो आप कह सकते हैं हु कैन से, क्या पता, मतलब क्या पता भविष्य में क्या होगा, करेगा नहीं करेगा, हु कैन से। सो इस तरीके से आप इसे यूज कीजिए। मान लीजिए इलेक्शन की बात कर ले, तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा, हु कैन से, क्या पता। नेक्स्ट इज सो व्हाट, इसका मतलब होता है तो क्या, तो अगर आपसे कोई कुछ ऐसी बात बोले जिससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो आप यही कहते हैं ना, तो क्या, सो व्हाट। नेक्स्ट इज व्हाई मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई मी, मैं ही क्यों। कई बार आपके साथ कुछ गलत होता है या फिर हमेशा आपके साथ ऐसा कुछ होता रहता है जो कि जिससे कि आप खुश नहीं रहते, तो आप इसी तरीके से कहते हैं ना कि मेरे ही साथ क्यों होता है, व्हाई मी। अगर कुछ ऐसा हो गया तो आप यही बोलेंगे व्हाई मी, मतलब कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों। नेक्स्ट इज एनी टाइम, इसका मतलब कभी भी। मान लीजिए आपका फ्रेंड आता है आपके पास और कहता है कैन आई टेक योर कार, तो आप क्या बोलेंगे, कभी भी, एनी टाइम, दैट मींस यस यू कैन टेक माय कार। नेक्स्ट इज व्हाई शुड आई, इसका मतलब है मैं ही क्यों करूं। मान लीजिए आप, ऐसा हर घर में होता है कि आप किसी से बोलते हैं एक ग्लास पानी लाना और बार बार वही आपके लिए पानी लाता है, तो वो इस बार वो कह सकता है व्हाई शुड आई, मतलब किसी और से भी कह दो मैं ही क्यों करूं, व्हाई शुड आई। नेक्स्ट इज दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। सपोज कि कोई शॉकिंग न्यूज मिलती है, मान लीजिए आप ये आके अपनी मम्मा से कहते हैं कि मेरी जॉब छूट गई, या फिर कुछ और शॉकिंग न्यूज है, कुछ भी है, तो वो बोल सकती है कि ये सच नहीं हो सकता, दिस कांट बी ट्रू। नेक्स्ट इज या व्हाई नॉट, मतलब हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मान लीजिए वही एग्जांपल ले लेते हैं, कार मांगने आया आपका फ्रेंड, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं या व्हाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं यार, तुम मेरे फ्रेंड हो, ले सकते हो, सो या व्हाई नॉट। जल्दी से फटाफट आपके मुंह से ये सारे जवाब निकलने चाहिए, इसीलिए ये फ्रेजेस मैं दे रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए। सिचुएशन है, बस फटाफट ये वर्ड्स आपको बोलने हैं। नेक्स्ट इज या श्योर, अगर मान लीजिए आपसे कोई भी कुछ बोलता है जैसे कि कल मिले, तो आप बोल सकते हो या श्योर, हाँ जरूर, हाँ जरूर, या श्योर। जैसे किसी ने आपसे कुछ भी पूछा, मान लीजिए किसी ने पूछा कि कौन सा वाला चाहिए, तो आपको बोलना है वो वाला, तो आप कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आप बोलेंगे दैट वन, अगर वो दूर है तो दैट वन, अगर पास में है तो आप बोलेंगे दिस वन। तो अगर इन फ्रेजेस के बारे में आपको पता हो तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा ना, बहुत इजी हो जाएगा इंग्लिश सीखना। तो ठीक है, आपने अभी दो सीख लिए, दैट वन एंड दिस वन, दैट वन का मतलब वो वाला और दिस वन का मतलब ये वाला। तो जब कोई चीज पास में है आपको बोलना है ये वाला, आप बोलिए दिस वन, कोई चीज दूर है आपको बोलना है वो वाला,
आप बोलिए दैट वन। आपने दो फ्रेजेस सीख लिए। अब क्या आपको मुश्किल लग रहा है कि सच में इंग्लिश बहुत मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने ऐसे फ्रेजेस सीखे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। तो गाइस, जो आज आप सीखने वाले हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना ही होगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा देती हूँ फ्रेज। जैसे कि मैंने बोला, कोई आपसे पूछे कौन सा वाला, तो आपने सीख लिया कोई चीज बताने के लिए आपको वन वन का यूज करना है, आपने दिस और दैट का यूज कर लिया। तो अगर किसी से आपको पूछना है कौन सा वाला, तो आप पूछिए विच वन। सो नंबर थ्री इज विच वन। वन का यूज किया हमने, विच लगा दिया, कौन सा वाला। तो अगर आपको किसी से इंग्लिश में पूछना है तो आप बोलिए विच वन। आपको कौन सा वाला चाहिए, विच वन डू यू वॉन्ट। इसके आगे अगर आपने एड कर दिया डू यू वॉन्ट, तो एक पूरा सेंटेंस बन गया, विच वन डू यू वॉन्ट। सो विच वन है ना मजेदार। अब एक नया फ्रेज सीखते हैं जिसके बारे में अक्सर कई बार ये बात हो जाती है कि मैम ये सही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। जैसे आपको कहीं जाना हो और दो लोग साथ में जा रहे हैं, मतलब आप इधर से जा रहे हो, वो इधर से आ रहा है, फिर आप अटक से जाते हैं बीच में, फिर कहते हैं पहले आप, मतलब कि पहले आप निकल जाइए फिर मैं चला जाऊंगा आराम से। तो पहले आप के लिए इंग्लिश में हम बिफोर यू नहीं बोलते। सो नंबर फोर इज आफ्टर यू। ओके, आफ्टर यू का मतलब हुआ कि आपके बाद। तो इसका जो हम फ्रेज में हिंदी में यूज करते हैं वो क्या है, पहले आप। इसका मतलब तो यही हुआ ना, पहले आप। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आफ्टर यू। बिफोर यू बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। बिफोर यू का मतलब हो गया कि आपसे पहले मैं। तो हमेशा याद रखिए आपको क्या बोलना है, आफ्टर यू। ठीक है, नंबर फाइव इज व्हाट फॉर। इसका मतलब होता है किस लिए। नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपसे कुछ कहे, मान लीजिए कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो आप पूछ सकते हैं किस लिए, व्हाट फॉर। या फिर आपसे कोई कुछ मांगता है तो आप पूछते हैं किस लिए, व्हाट फॉर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नंबर सिक्स। और नंबर सिक्स क्या है, आर यू डन। आर यू डन, दिस इज अ क्वेश्चन। आर यू डन, इसका मतलब होता है क्या आपका हो गया। तो मान लीजिए कोई कुछ भी काम कर रहा है, जैसे कि कोई खाना ही खा रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है, तो आपको पूछना है क्या आपने वो काम कर लिया, या फिर खाने की बात कर ली कि आपने खाना खा लिया, आर यू डन। तो नेक्स्ट टाइम से आपको पूछना है आप बोलिए आर यू डन। और अगर आपसे कोई पूछता है आर यू डन और आपने कर लिया है काम, आपको बोलना है हाँ हो गया, तो आप बोलिए आई एम डन। क्या बोलेंगे आप, आई एम डन, दैट मीन्स आई एम डन, आई एम डन, मेरा हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरा हो गया। हेलो इंटरेस्टिंग। अब आपने सेवन ऐसे फ्रेजेस सीख लिए हैं जिन्हें आप बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश भी इंप्रेसिव लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं और फ्रेजेस सीखते हैं। नंबर एट। नंबर एट इज जब आपसे कोई किसी समय की बात करे और आपको पूछना है किस समय या फिर कितने बजे, तो आप क्या पूछेंगे, व्हाट टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कितने बजे या फिर किस समय। तो नेक्स्ट टाइम से अगर मान लीजिए आपको कोई पार्टी में इनवाइट करता है और आपको पूछना है कि कितने बजे, व्हाट टाइम, किस समय, व्हाट टाइम। नेक्स्ट इज कांट से। कांट से, कोई आपसे पूछे कि पार्टी में आ रहे हो ना, कह नहीं सकता, कांट से। सो कह नहीं सकता या कह नहीं सकती, अगर ये बोलना है तो आप सिंपली सिर्फ इतना बोल दीजिए कांट से। ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी बात पे ये रिएक्ट करना हो बिल्कुल भी नहीं, तो आप क्या बोलते हैं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, या फिर नो वे। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, या फिर नो वे, मतलब हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसा कुछ करूं, बिल्कुल भी नहीं। और इसका मतलब क्या है, हो ही नहीं सकता, नो वे,
दोनों का मतलब लगभग सेम ही है. तो आपने कितने सीख लिए? आप 11 ऐसे फ्रेजेस सीख लिए हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं. अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 सीखते हैं. तो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि जो भी फ्रेजेस आप आज इसमें सीखने वाले ना, वो सब आप बड़ी ही आसानी से यूज करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो आप बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे. सो नंबर 12 इज डू यू लाइक इट. इसका क्या मतलब है? आई थिंक इसका मतलब आपको पता है. क्या ये आपको पसंद है? डू यू लाइक इट. तो जब भी आपको किसी से पूछना हो उसकी पसंद की, आपको पसंद है कि नहीं, तो आप पूछिए डू यू लाइक इट, क्या ये आपको पसंद है. अब अगर आपसे कोई ये चीज पूछता है तो आपको जवाब देना है थोड़ा बहुत. तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत, काइंड ऑफ. तो ये छोटा सा फ्रेज आपके बहुत काम आने वाला है. अगर आपको कहीं भी बोलना है थोड़ा बहुत, तो आप बोलिए काइंड ऑफ. नेक्स्ट इज नेवर माइंड. ये जो नेवर माइंड है, इसे आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, छोड़ो उसे. मतलब कि जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, और फिर अचानक से कोई आ जाता है, या फिर वही इंसान नहीं समझ पा रहा है, फिर आपसे पूछता है, तो आप उस टॉपिक को ही चेंज करना चाहते हैं. तो आप कैसे चेंज करेंगे टॉपिक को? नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन टू दिस, चलो इस बारे में बात करते हैं. नेवर माइंड, छोड़ो उसे, भूल जाओ उसे. ठीक है, इस तरीके से आप नेवर माइंड का यूज करते हैं. नंबर 15 इज व्हाट्स गोइंग ऑन. इसके बारे में तो आपने सुन ही रखा है. व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब कि क्या चल रहा है. व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. किसी के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, आप बोलिए व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. अब अगर आपसे कोई पूछता है और आप ऐसा जवाब देते हैं ना, ऐसे कई बार आप बोलते हैं वही पुराना, मतलब जो पहले करता था, जो पहले चल रहा था वही चल रहा है, तो आप वही पुराना के लिए क्या बोलेंगे? सेम ओल्ड, वही पुराना. तो इस तरीके से आपको ये फ्रेज मिला, सेम ओल्ड. व्हाट्स गोइंग ऑन के हिंदी क्या हो गई? क्या चल रहा है. इसी को एक और तरीके से बोला जा सकता है, दैट इज व्हाट्स अप. सो नंबर 17 इज व्हाट्स अप, जो कि आप बहुत ज्यादा सुनते हैं आज के टाइम पे. व्हाट्स अप, ध्यान दीजिएगा, ये आपका वो व्हाट्सएप नहीं है जो आपके फोन में है. उसे अगर लिखे व्हाट्सएप को, तो वो है व्हाट्सएप. ठीक है, ऐप अलग, व्हाट्स अलग. अब इस पे अगर ये जवाब देना हो कि कुछ खास नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल. मोस्टली यही जवाब आता है जब कोई पूछता है व्हाट्सएप, तो आप बोलते हैं कुछ खास नहीं. तो उसके लिए आप बोलिए नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल. मतलब कुछ खास नहीं. तो गाइस इस तरीके से आप बहुत सारे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं. अभी आपने 18 सीखे हैं, हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं. नंबर 19 इज फॉर हूम. इसका मतलब है किसके लिए. अभी आपने सीखा था व्हाट फॉर, जिसका मतलब था कि किस लिए. अब आपने सीखा फॉर हूम, इसका मतलब है किसके लिए. सो फॉर उसके बाद हूम, हूम की हिंदी होती है किसके. तो अगर आपको, आप कोई गिफ्ट मान लीजिए आपने खरीदा, तो आपके साथ जो गया हुआ है वो पूछता है किसके लिए, तो पूछेंगे फॉर हूम. अब मान लीजिए आपको बोलना है आपके लिए, तो आप बोलेंगे फॉर यू. अगर आपको बोलना है कोई चीज सबके लिए, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर ऑल. ठीक है, सो फॉर यू, आपके लिए. तो यू को आप किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि फॉर मम्मा, मम्मा के लिए. अब आगे बढ़ते हैं. नंबर 21 इज सच में. मान लीजिए आप किसी को कुछ देते हैं या फिर कुछ भी बताते हैं, तो बोलते हैं सच में. तो इसके लिए एक तो आप जानते हैं रियली, इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर इज इट, इज इट, इज इट भी पूछ सकते हैं. इज इट मतलब सच में. मान लीजिए आप किसी के लिए कुछ लाते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा ही लाया आपने और आप कहते हैं कि पहन कर देखो, तो आप क्या बोलेंगे? ट्राई इट ऑन. इट उस चीज के लिए, ट्राई इट ऑन, पहन कर देखो.
ठीक है। और मान लीजिए कोई भी चीज आजमा के देखने की आप बात करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ट्राई इट, या फिर दिस भी बोल सकते हैं, ट्राई इट आउट, आजमा कर देखो। है ना इंटरेस्टिंग, ट्राई इट ऑन यूज किया पहनने के लिए, ट्राई इट आउट आजमा कर देखो। और अगर आपने किसी को कुछ खाने के लिए भी बोलना है कि खा के देखो, तो भी आप बोलेंगे ट्राई इट आउट, इसका मतलब खा के देखो। तो आपने एक और सिचुएशन के लिए ये फ्रेज तैयार कर लिया, ट्राई इट आउट, खा कर देखो। नाउ नंबर 25 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है। हाउ कम, हाउ कम, अब इसमें क्या है, इसमें इसकी दो मीनिंग है। एक तो हाउ कम का मतलब होता है व्हाई, और एक हाउ कम का मतलब होता है हाउ, मतलब कि क्यों भी होता है और कैसे भी होता है। सिचुएशन को समझिएगा, ठीक है। दो सिचुएशंस, जैसे कि मान लीजिए आप घर पे आते हैं, आप गए थे ट्रेन पकड़ने और आप घर पे आके बोलते हैं मेरी ट्रेन छूट गई, तो आपकी मम्मा का रिएक्शन होगा कैसे, तो वहां पे भी वो बोल सकती है हाउ कम, ठीक है। तो ट्रेन छूट गई, हाउ कम, कैसे वाला। और मान लीजिए आप आके बोलते हैं कि मैंने ट्रेन छोड़ दी, तो रिएक्शन क्या होगा, क्यों, वहां पे भी बोला जा सकता है हाउ कम। हाउ कम दोनों सेंस में यूज होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपको क्यों बोलना हो, कैसे बोलना हो, तो आप इनका यूज करें। नंबर 26, दैट्स ट्रू, इसका मतलब आपको अगर समझ में आएगा, इसका मतलब तो ये भी है कि वो सच है। और जैसे आप बोलते हैं ना, सो तो है ना, तो सो तो है, इस तरीके से आप बोलते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई बात बोली तो आप कहते हैं सो तो है, तो वहां बोलिए दैट्स ट्रू, तो इसके लिए आप इसका यूज कीजिए। नंबर 27 इज कब से, इसके लिए आप क्या बोलेंगे, सिंस व्हेन। मान लीजिए आप बोले कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, कब से, सिंस व्हेन। नंबर 28 इज हु डिड, आप आगे इट भी लगा सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं, हु डिड इट, ये किसने किया, हु डिड इट। तो जवाब में आप सिंपली बोल सकते हैं ही डिड इट, ये उसने किया। सो नंबर 29 इज हु नोज, मतलब कौन जाने। कई बार जब किसी चीज का जवाब नहीं समझ में आता तो आप बोलते हैं ना कौन जाने, हु नोज, ऐसे कई लोग बोलते हैं भगवान जाने, तो उसके लिए बोला जाएगा गॉड नोज, मतलब भगवान जाने, गॉड नोज। तो जब किसी चीज का जवाब नहीं समझ में आए तो आप बोल सकते हैं गॉड नोज, भगवान जानता है, या भगवान जाने। कई बार आप बोलते हैं ना बस, उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट, बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। सो अगर आपको बोलना है बहुत हो गया तो आप बोलिए इनफ इज इनफ, इसका मतलब होता है बहुत हो गया। हियर यू आर, या फिर देयर यू आर, इन दोनों का क्या मतलब है। यहां हियर और देयर से, यहां और वहां से मतलब नहीं है, इन्हें वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट नहीं करना। हियर यू आर या फिर देयर यू आर आप बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ये लीजिए। तो जब आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप वाटर ही दे रहे हैं, तो भी आप ऐसे करके बोलते हैं हियर यू आर या फिर देयर यू आर। तो कुछ देते हुए आप इन फ्रेजेस का यूज करें, और साथ ही साथ बता दो कि हियर यू गो या फिर देयर यू गो, इनका भी मतलब सेम ही है, इनकी और भी मीनिंग्स हैं, लेकिन ये लीजिए यानी कि कुछ देते हुए आप इन चारों का यूज कर सकते हैं। तो आपने एक ही सेंटेंस के लिए चार तरीके सीख लिए कि किस तरीके से इंप्रेसिव वे में आप इंग्लिश बोल सकते हैं। नाउ नंबर 5 इज देयर इज नो रूम फॉर डाउट, इसका मतलब है इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मान लीजिए कोई कुछ शक कर रहा है, बहुत ज्यादा चेक कर रहा है, तो आप बोलते हैं कि इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, देयर इज नो रूम फॉर डाउट। ऐसे अगर आप वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, सोचिए आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रेसिव लगेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई हैव द सेम,
I'll have the same. ये आप कब यूज करेंगे? जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए हैं और वहां पे वेटर आके ऑर्डर लेता है, तो आपके साथ जो गए हैं वो बोलते हैं I'll have पनीर टिक्का। फिर आपसे वेटर पूछता है तो आप उस पर बोल सकते हैं I'll have the same, मतलब मैं भी वही लूंगा जो वो ले रहे हैं, जो वो ले रहे हैं, ठीक है? तो मैं भी वही लूंगा, ये कहने के लिए आप बोलेंगे I'll have the same. Now the next one is step up your game. Step up your game बहुत ही अच्छा सेट है ये। इसका मतलब होता है अपने काम को और बेहतर करो, मतलब कि जो काम भी आप करते हैं ना उसे और बेहतर तरीके से उसे इम्प्रूव करिए। मान लीजिए एक सेंटेंस है कि आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप बहुत ही अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ का जो मालिक है वो आपसे बोलता है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे एट दिस फर्म देन यू रियली नीड टू स्टेप अप योर गेम। अगर तुम इस फर्म में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने काम को और बेहतर करना होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे सिचुएशन में आप बोलेंगे स्टेप अप योर गेम। नाउ द नेक्स्ट वन इज यू सोल्ड मी। इसका क्या मतलब हो सकता है? यू सोल्ड मी, यहाँ पे इसका मतलब इसके वर्ड से टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब है तुमने मुझे मना ही लिया, मतलब कि आप इसी चीज को इस तरीके से भी बोल सकते हैं यू कन्विंस्ड मी। तो जैसे कि आपने किसी को इस तरीके से मनाया कि वो किसी चीज को लेके तैयार नहीं था और आपने इस तरीके से कोई चीज प्रेजेंट की उसके आगे कि वो मान गया, उसे वो चीज अच्छी लग गई और उसने अग्री कर दिया आपसे, तब वो बोलेगा यू सोल्ड मी। है ना इंटरेस्टिंग? नाउ द नेक्स्ट वन इज गाइस आई गेट दिस वन, आई गेट दिस वन, इसका मतलब है ये वाला मैं करूंगा। सपोज कि कोई काम जो कि पहले हुआ था, आप दो फ्रेंड्स हैं, सपोज कि आप लोगों ने खाना खाया और लास्ट टाइम आपके फ्रेंड ने बिल दे दिया, तो आप कहते हैं यू पेड द बिल लास्ट टाइम, आई पे द बिल दिस टाइम। तो आई पे द बिल दिस टाइम की जगह आप बोल सकते हैं आई गेट दिस वन। यू पेड द बिल लास्ट टाइम, आई गेट दिस वन। तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे और इसका मतलब ये हो जाता है कि इस बार मैं, ठीक है? तो आप इसे इस तरीके से यूज करें। नाउ द नेक्स्ट वन इज यू गॉट मी, इट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रही हूं जो कि नॉर्मल बातचीत में चलते हैं, तो यहां पे आप ग्रामेटिकली अगर देखेंगे कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन वर्ड भी आना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे इडियम्स हैं जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं। तो यहां इसका मतलब है क्या आपने समझा मेरी बात को? तो जिस तरीके से हम ये बोलते हैं ना डिड यू गेट मी, तो वही चीज है जो यहाँ पे इस तरीके से बोला गया यू गॉट मी। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हो गया? यू अंडरस्टूड मी, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसके जवाब में क्या आएगा वो आगे सीखते हैं। नाउ द आंसर वुड बी आई गॉट यू। कोई पूछे यू गॉट मी, यस आई गॉट यू, दैट मीन्स मैं समझ गई। तो इसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई अंडरस्टूड यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज गाइस यू ब्लो आवर कवर, यू ब्लो आवर कवर, इस तरीके से आप इसे बोलेंगे और इसका मतलब है तुम तो हमारे पोल ही खोल दोगे। तो मान लीजिए कि कोई सीक्रेट है और कोई बोले जा रहा है, तो आप बोलते हैं बी क्वाइट और एल्स यू विल ब्लो आवर कवर, मतलब कि चुप हो जाओ वरना तुम तो हमारे पोल ही खोल दोगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज करें। नाउ द नेक्स्ट वन इज गाइस यू गॉट इट ऑल रॉन्ग, यू गॉट इट ऑल रॉन्ग, इसका मतलब तुमने सब उल्टा पुल्टा समझ लिया, मतलब सब गलत समझ लिया। इसका पूरा मतलब हो गया यू कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड। मान लीजिए आपने किसी को कुछ समझाया और उसने उल्टा पुल्टा ही समझा, सही तरीके से नहीं समझा, या फिर दो लोगों की अलग कॉन्वर्सेशन हो रही है और उसने सुना बात को उल्टा ही उसको ले लिया, तो वहां पे यूज करेंगे यू गॉट इट ऑल रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट वन इज गाइस कीप मी इन माइंड, कीप मी इन माइंड का मतलब होता है मुझे ध्यान में रखना। ओवरऑल इसका मतलब है रिमेंबर मी, मतलब मुझे याद रखना। ये आप कब यूज करेंगे? सपोज कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप किसी से मिलते हैं और उसके ऑफिस में भी वैकेंसी नहीं है, तो आप उससे बोलते हैं इफ अ पोजीशन ओपन्स अप एट योर कंपनी प्लीज कीप मी इन माइंड, अगर कोई भी वैकेंसी आती है कोई पोजीशन के लिए जगह खाली होती है तो मुझे ध्यान में रखना बिकॉज यू नो दैट आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, ठीक है? इस तरीके से आप यूज करेंगे कीप मी इन माइंड। Now guys, really very important, I'll let you think it over. इसका मतलब है, let का मतलब पता ही है कुछ करने देना, so I'll let you think it over का मतलब है मैं आपको समय दूंगा
इस बारे में सोचने के लिए। अब आप इसे यूज कैसे करेंगे, सपोज कि आपने किसी को कोई काम दिया, ठीक है, और वो जल्दी में डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसे लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं, तो आप ऐसे में बोल सकते हैं आई लेट यू थिंक इट ओवर, दैट मीन्स कि आई गिव यू सम टाइम टू कंसिडर दिस, ठीक है, ताकि इस पर तुम सोच विचार कर सको, मैं समय दूंगा, आई लेट यू थिंक इट ओवर। ये शॉर्ट हो गया और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन, आई सी व्हाट आई कैन डू। सो आई सी का मतलब हो गया कि मैं देखता हूं व्हाट आई कैन डू, कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। ये आप कब यूज करेंगे, सपोज कि आपके पास कोई कुछ समस्या, कोई प्रॉब्लम लेके आया और सॉल्यूशन चाहता है, आप तुरंत नहीं देना चाह रहे हैं कोई सॉल्यूशन, मतलब तुरंत आप नहीं कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि आई सी व्हाट आई कैन डू, मतलब कि मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो तब आप इसे यूज करें जब आप कोई डिसीजन, कोई निर्णय बाद में देने वाले हो। नाउ दीज आर रियली इंटरेस्टिंग, कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप का क्या मतलब है, तो आप इनसे इनका मतलब समझिए, कीप मी अपडेटेड या फिर कीप मी अप टू डेट, यही मतलब है कीप मी इन द लूप का। ये अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ा नया लगेगा, इन सब का मतलब है मुझे खबर देते रहना। तो जैसे कि आपका कोई ग्रुप है, कोई सर्कल है, तो उसमें अगर आप नहीं हैं, आप नहीं अटेंड कर पाते हैं, कोई भी ग्रुप हो फ्रेंड्स का या किसी तरीके का, तो आप ये कहते हैं कि कीप मी इन द लूप, मतलब कि मुझे खबर देते रहना। कीप मी अपडेटेड, सेम मीनिंग, कीप मी अप टू डेट। तो आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, इवन अभी मुझे एक और याद आ गया जो कि आप बोल सकते हैं, कीप मी पोस्टेड, ठीक है, तो कीप मी पोस्टेड का भी यही मतलब है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो एक ही चीज को आप चार डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। तो गाइज ये चीज तो आप हमेशा अपनाइए, इवन वर्ड्स को लेकर भी, कि अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं तो आप एक ही वर्ड को अलग अलग वर्ड्स यूज करके एक्सप्रेस कीजिए, एक ही बात को अलग अलग वर्ड्स में, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी लगेगी, इंप्रेसिव लगेगी, और दूसरों पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो आप में कॉन्फिडेंस भी खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये हो गए 20, एक और देख लेते हैं। नाउ दिस वन, डोंट आस्क मी, इसका मतलब है मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, मतलब कि आई डोंट हैव एनी आंसर। ये आप कब यूज करते हैं, सपोज कि आपने घर में एंट्री ली, घर बहुत फैला हुआ है, सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, और तुरंत ही आपकी मम्मा आ जाती हैं घर पे, तो वो कहते हैं आपसे कि ये क्या है, ये सब कैसे हुआ, तब आप क्या जवाब देंगे, यही कहेंगे ना मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी, जो घर में था उससे पूछो। यू सोल्ड मी, मतलब कि तुमने मुझे मना ही लिया, यू सोल्ड मी। आई ओनली बी अ मिनट, ये आप तब यूज करेंगे जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैं बहुत जल्दी करूंगा। आई ओनली बी अ मिनट, हाउ इज इट गोइंग, इसका मतलब होता है हाउ आर यू, मतलब कि कैसे हैं आप। तो अभी अगर आप हाउ आर यू बोलते हो तो नेक्स्ट टाइम आप बोलिए हाउ इज इट गोइंग। ब्रेक अ लेग, रुकिएगा, किसी का पैर नहीं तोड़ना है, इसका मतलब होता है गुड लक। तो अगर आपको किसी को बोलना है गुड लक, तो आप बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग। गिव इट अ ट्राई, इसका मतलब होता है कोशिश करके देखो, कोई आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, होपलेस हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कोशिश तो करके देखो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं, could you do me a favor? It's a piece of cake. That means ये तो बहुत आसान है। जब कोई चीज बहुत आसान लगे तो आप बोल सकते हैं oh, it's just a piece of cake. You just made my day. मतलब कि you just made me happy. तुमने मेरा दिन बना दिया। Step up your game. Step up your game. That means कि अपने काम को और बेहतर करो। If you want to stay at this firm, then step up your game. I'll get back to you. मतलब कि मैं आपको वापस contact करूंगा या मैं आपको वापस बताऊंगा. I'll get back to you. I'll get this one. इसका मतलब होता है ये वाला मैं करूंगा. मान लीजिए कि last time bill आपके friend ने pay कर दिया, तो आप कहते हैं इस बार कि I'll get this one. मतलब कि इस बार मैं पे करूंगा। I'll get you for this, मतलब कि मैं तुम्हें देख लूंगा। I'll get you for this.
व्हाट्स न्यू, मतलब कि नया क्या है। जब आप किसी से मिले तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स न्यू, व्हाट्स अप, मतलब कि क्या चल रहा है। या आप यूज कर सकते हैं कैजुअल कॉन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। यस, याद रखिएगा दिस इज इनफॉर्मल, तो आप अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ इसे ना यूज करें। इसके रिस्पॉन्स में आप बोल सकते हैं नॉट मच, मतलब कि कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। व्हाट्सएप के रिस्पॉन्स में आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, वो है द यूजुअल, मतलब कि जो आम तौर पे चलता है वही चल रहा है, जो मैं आम तौर पे करता हूँ वही कर रहा हूँ। लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब कि बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। तो जब आप किसी से लंबे समय बाद मिले तो आप बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। हाउ हैव यू बिन, दिस इज अनदर वे टू से हाउ आर यू। जब कोई आपसे पूछता है कैसे हैं आप, तो आप बोल सकते हैं ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं आप बताइए, हाउ अबाउट यू। सेम हियर, मतलब कि मैं भी। तो अगर किसी ने बोला आई एम फाइन थैंक्स हाउ अबाउट यू, तो आप जवाब दे सकते हैं सेम हियर, मतलब कि मैं भी ठीक हूँ। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो जब भी कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है या आपसे हेलो बोलता है, तो आप रिस्पॉन्स में बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। अब जब आप अलविदा कहना चाहते हैं, यानी कि गुड बाय कहना चाहते हैं, तब आप बोलिए इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू, या फिर इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, मतलब कि आपसे बात करके अच्छा लगा। एक और तरीके से आप बोल सकते हैं इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, मतलब कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो आप जाते वक्त इट वॉज के साथ बोलेंगे। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। स्टे इन टच, मतलब कि टच में बने रहना, चाहे फोन पे या फिर मिलते रहेंगे, स्टे इन टच। एक्सक्यूज मी, ये आप तब यूज करेंगे जब आपने किसी की बात सुनी नहीं। वैसे भी ये कई जगहों पे यूज होता है, लेकिन मान लीजिए किसी ने कुछ बोला और आप ठीक से सुन नहीं पाए, तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। और जब आप किसी की बात ना सुन पाए, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं सॉरी आई डिडेंट कैच दैट, मतलब कि जो आपने कहा मैं सुन नहीं पाया, आई डिडेंट कैच दैट, मैंने वो सुना नहीं। आई एम अफ्रेड आई कांट, इसका मतलब हुआ माफ करना मैं नहीं कर सकता, या माफ करना मैं नहीं आ सकता। ये आप तब यूज करेंगे जब आपको कोई इनविटेशन देता है, तो डायरेक्टली ये कहने के बजाय कि मैं नहीं आ सकता, आई कांट कम, आप बोलिए आई एम अफ्रेड आई कांट। तो ये डायरेक्ट भी नहीं होगा और इम्प्रेसिव भी होगा। आई हैव द सेम प्लीज, जब आप दो लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और सामने वाला यानी कि आपके साथ जो गया है उसने ऑर्डर कर दिया कोई चीज, तो वेटर जब आपसे पूछे आपको क्या चाहिए, तो आप बोल सकते हैं आई हैव द सेम प्लीज, मतलब कि जो उन्होंने ऑर्डर किया वही मुझे भी चाहिए। डोंट वरी आई लेट यू थिंक इट ओवर, इसको आप तब यूज करेंगे जब कोई बहुत परेशान हो रहा है कि कैसे क्विक डिसीजन कैसे लो, तो आप बोल सकते हैं कि परेशान मत हो, आई लेट यू थिंक इट ओवर, मतलब कि मैं आपको समय दूंगा इस बारे में सोचने के लिए। तो आप जल्दबाजी ना करें, आई लेट यू थिंक इट ओवर। आई सी वॉट आई कैन डू, ये आप तब यूज करेंगे जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं देखता हूँ या मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, आई सी वॉट आई कैन डू। लेट्स कॉल इट अ डे, ये आप तब यूज करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि बस अब इस काम को खत्म करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं। तो आप कोई काम अगर दिन भर से कर रहे हैं, तो आप उस काम को एंड इस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ नाइट, ये आप तब यूज करेंगे जब कोई काम आपने शाम को शुरू किया हो या फिर रात में ही शुरू किया हो, और अब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अब इसे खत्म करते हैं, यहाँ रोक देते हैं और सोने जाते हैं, लेट्स कॉल इट अ नाइट। लेट्स कॉल इट इवन, या फिर लेट्स कॉल इट क्विट्स, दोनों का मतलब सेम है। फर्क क्या है कि पहला वाला यानी कि इवन वाला है अमेरिकन इंग्लिश और क्विट्स वाला है ब्रिटिश इंग्लिश। तो इन दोनों का मतलब क्या है कि चलो पटे कर लेते हैं, या फिर चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं। एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड्स एक ही कमरे में रहते हैं, तो लास्ट मंथ का किराया आपने दिया था, अब आप चाहते हैं कि इस मंथ का किराया आपका फ्रेंड दे दे, तो बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि लेट्स कॉल इट इवन। सॉरी माई बैड, माफ करना मेरी गलती है,
When you are using this phrase, so be careful as this is an informal phrase. ठीक है, तो जब भी आपको अपनी गलती accept करनी हो तो आप बोलिए sorry, my bad. My lips are sealed. इसका मतलब है कि मैं मेरा मुंह बंद रखूंगा, मैं राज नहीं बताऊंगा. तो जब भी कोई आपसे कुछ छिपाने के लिए बोले कि ये आप किसी से मत बताना, तो आप बोल सकते हो डोंट वरी माई लिप्स आर सील्ड. माई पॉइंट एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि मेरा भी यही मानना है या फिर मैंने भी यही कहा. तो जब भी कोई ऐसी बात बोलता है जो आप भी वही मानते हो या फिर आप पहले बोल चुके हो, तो आप बोल सकते हैं माई पॉइंट एग्जैक्टली. डोंट पब्लिसाइज, इसका मतलब है ढिंढोरा मत पीटो, मतलब कि लोगों को पता मत चलने दो. डोंट पब्लिसाइज. डोंट एग्जैजरेट, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो कोई भी चीज़. बहुत लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं डोंट एग्जैजरेट. कोई कुछ बोल रहा है, आपको बीच में कुछ बोलना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब कि आपके बीच में बोलने के लिए माफ कीजिएगा. तो उस पर रिस्पॉन्स दिया जा सकता है गो अहेड या फिर गो ऑन. सो गो अहेड और गो ऑन, मतलब कि बोलिए बोलिए. डोंट मेंशन इट, मतलब कि अगर किसी ने कुछ बोला जैसे कि थैंक यू, तो थैंक यू के रिस्पॉन्स में आप बोलना चाहते हैं कि अरे अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आप बोलिए डोंट मेंशन इट, मतलब कि डोंट मेंशन दिस वर्ड. थैंक यू मत मेंशन करो भाई, हम दोस्त हैं, चलता है. और अगर आपको हेल्प करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आप चाहते हैं कि आप बार बार हेल्प करें उसकी, तो आप बोल सकते हैं एनी टाइम, मतलब कि कभी भी तुम मुझसे मदद मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ. सो एनी टाइम. कोई आपसे सॉरी बोलता है तो आप बोल सकते हैं नो वरीज, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, नो वरीज. कोई आपसे सॉरी बोले तो आप ये भी बोल सकते हैं डोंट वरी अबाउट इट, मतलब कि इस बारे में टेंशन ना लो, चिंता ना करो, सॉरी भी मत बोलो, डोंट वरी अबाउट इट. What do you think? तुम्हें क्या लगता है? What do you think? I'm out of ideas. मुझे तो कोई उपाय ही नहीं सोच रहे हैं. I'm out of ideas. Get back to me. मतलब कि let me know. मतलब कि मुझे बताइएगा. Get back to me. Could you repeat that please? क्या आप उसी बात को दोबारा से बोल सकते हैं, यानी कि दोहरा सकते हैं? तो ये आप कब यूज़ करेंगे? आप समझ ही गए होंगे, जब आप किसी की बात ठीक से सुन ना पाए तो आप इस तरीके से पूछेंगे. तो ये पोलाइट वे. कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर और कुड यू टॉक स्लोअर प्लीज. जब भी कोई बहुत फास्ट बोल रहा हो, जैसे कि नेटिव स्पीकर्स बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं, तो इसमें आप झिझकिए नहीं, डोंट हेजिटेट. अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? What do you do? इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हैं. तो आप कंफ्यूज ना हो हाउ डू यू डू से. हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं, What do you do मतलब आप क्या करते हैं. सो What do you do के रिस्पॉन्स में आप बोल सकते हैं आई वर्क एट समवेयर, लाइक आई वर्क एट अ बैंक, आई वर्क एट अ यूनिवर्सिटी. या फिर अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है. और जब कोई हाउ डू यू डू पूछे तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू. गेट रियल, इट मीन्स बी रियलिस्टिक. या आप तब यूज करें जब कोई कुछ ऐसी बात बोले जिसमें आपको लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो कि ऐसा हो नहीं सकता, तो आप बोल सकते हैं गेट रियल. नॉट इवन अ बिट, मतलब कि थोड़ा सा भी नहीं. आर यू वरीड अबाउट समथिंग, नॉट इवन अ बिट, जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं. हु डू यू थिंक यू आर, इसका मतलब होता है कि तुम हो कौन, तुम खुद को समझते क्या हो, या फिर तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन. सो जब भी कोई आपसे इनपोलाइटली बात करे तो आप बोल सकते हैं हु डू यू थिंक यू आर. आई हैव नो क्ल्यू, अगर आपसे कोई कुछ पूछे और आपको भी उस बारे में नहीं पता, तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो क्ल्यू. आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में. थिंक फास्ट, मतलब कि जल्दी सोचो. कोई गेम होता है उसमें फटाफट आपको सोच के अपने टर्न्स चलने होते हैं, तो उसके लिए आप ये बोल सकते हैं थिंक फास्ट. आई बेटर बी ऑफ नाउ, मतलब कि अब मुझे चलना चाहिए. ये आप तब यूज करेंगे जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अभी नहीं निकला तो मुझे देर हो जाएगी कहीं के लिए. सो आई बेटर बी ऑफ नाउ. होल्ड ऑन, इसका मतलब होता है रुकना, ठहरना. होल्ड ऑन. हैंग ऑन अ मोमेंट,
मतलब कि एक पल के लिए रुकना, किसी को वेट करने के लिए अगर आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं हैंग ऑन अ मोमेंट, वेट, डोंट टेल मी. इसका मतलब होता है रुकना, मुझे मत बताना. मान लीजिए कोई चीज आप खुद से गेस करना चाह रहे हैं, कोई आपको कुछ बताने वाला है, या फिर इवन आप कोई मूवी देखने जा रहे हो और वो मूवी आपका फ्रेंड देख चुका है, आपको बताने जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं वेट, डोंट टेल मी, लेट मी गेस, मतलब कि मुझे अंदाजा लगाने दो. तो आप एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, वेट, डोंट टेल मी, लेट मी गेस फर्स्ट. व्हाट्स द रश, मतलब कि जल्दी क्या है, क्यों इतनी हड़बड़ी में है आप. व्हाट्स द रश, डिड यू गेट मी, दैट मीन्स कि क्या आपने मेरी बात समझी. डिड यू गेट मी, सॉरी आई डिडंट गेट यू, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात समझा नहीं. हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कि कितना समय लगेगा इस काम में. तो किसी भी चीज के लिए अगर आप किसी को डिफाइन करते हैं तो सवाल पूछा जा सकता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा. हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आपको कितना समय लगेगा. आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपके साथ बैठा हुआ है, पूछ सकता है हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आपको कितना समय लगेगा, मतलब कि वापस आने में कितना समय लगेगा. पार्डन, मतलब कि मैंने सुना नहीं, क्या फिर से बोलेंगे. पार्डन, आई टेक्स्ट यू, मतलब कि मैं आपको मैसेज कर दूंगा. तो कोई आपसे फोन नंबर मांगे या फिर कोई भी चीज मांगता है तो आप बोल सकते हैं कि मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आई टेक्स्ट यू. हियर यू आर, मतलब कि ये लीजिए. अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप हियर यू आर करके बोल सकते हैं. तो इसमें आप झिझकिए नहीं, आप टेक इट की जगह बोलिए हियर यू आर. तो क्या आप सिर्फ हियर यू आर बोल सकते हैं. जी नहीं, आप देयर यू आर भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं हियर यू गो या फिर देयर यू गो. आप ये चार चीज़ें यूज कर सकते हैं सिर्फ इतना बोलने के लिए. ये लीजिए, देयर यू गो, ये आप तब भी यूज करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं तुमने कर दिखाया, देयर यू गो. नेवर माइंड, ये आप तब यूज करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं इसे भूल जाओ, कोई बात नहीं या फिर इसे भूल जाओ. इन दोनों के सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं. मान लीजिए आप किसी को कोई बात बार 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 समझा रहे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं नेवर माइंड, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझा नहीं. तो मान लीजिए कोई कुछ बता रहा है तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, सो दैट कि वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करे आपको. टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है कि अपना ख्याल रखना. तो जब भी आप किसी से अलविदा कहते हैं तो आप बोल सकते हैं बाय बाय, टेक केयर, यानी कि अलविदा, बाय, अपना ध्यान रखना. सी यू नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब होता है फिर मिलते हैं, जब भी अगली बार मिलेंगे. कब मिलेंगे ये नहीं बताया, लेकिन यस, सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं. थैंक्स फॉर आस्किंग, मतलब कि पूछने के लिए धन्यवाद. ये आप कब यूज कर सकते हैं, अगर किसी ने आपको बोला हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, मतलब कि मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद, आप बताइए आप कैसे हैं. लुक आउट या फिर वॉच आउट, इसका मतलब होता है बी केयरफुल, मतलब ध्यान से. मान लीजिए कोई चीज ऐसी आ रही है या फिर वो ऐसी जगह पैर रखने जा रहा है जिससे उसे चोट लग जाए, तो आप बोल सकते हैं लुक आउट, वॉच आउट. व्हाट नेक्स्ट, मतलब कि अब क्या करना है. तो अगर आप किसी को कोई प्लान बता रहे हैं कि इसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो पूछ सकता है व्हाट नेक्स्ट, मतलब कि इसके बाद क्या करना है. लेट मी सी, मुझे देखने दो. व्हाट डू यू से या फिर व्हाट से, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, क्या कहते हो. व्हाट से, नो पेन नो गेन, मतलब कि जब तक किसी चीज में मेहनत नहीं डालेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नो पेन नो गेन. हु नोज, मतलब कि कौन जाने. जब आपको किसी चीज का जवाब ना पता हो तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं हु नोज, कौन जाने. हु केयर्स, मतलब कि किसे परवाह है. जब आप किसी चीज के लिए बेफिक्र हो, आपको उसकी परवाह ना हो, तो आप बोल सकते हैं हु केयर्स. लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो. लेट मी हेल्प यू, आईड बी हैप्पी टू हेल्प, मतलब कि मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी. या कब यूज करेंगे, जब आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं और वो नहीं ले रहा है आपकी मदद किसी वजह से, तो आप कह सकते हैं आईड बी हैप्पी टू हेल्प. हाउ डज दैट साउंड, मतलब कि
कैसा लग रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। तो ये भी एक तरीका हुआ ये पूछने का कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है इस बारे में। हाउ डज दैट साउंड, दैट साउंड्स ग्रेट, या फिर दैट साउंड्स ऑसम। तो आप ऑसम और ग्रेट को अपने अकॉर्डिंग किसी वर्ड से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है। मतलब जो भी प्लान आपने सजेस्ट किया उस पर आपने पूछा हाउ डज दैट साउंड, उस पर जवाब में आप बोल सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट। दैट्स ऑल मतलब कि बस, या तब यूज़ करते हैं जब आप जो भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वो पूरी तरीके से फिनिश कर लें। जैसे कि स्पीच में आप लास्ट में बोल सकते हैं दैट्स ऑल। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि सारे के सारे शॉर्ट फ्रेजेस आपके लिए बहुत ही काम के हों, एंड आई एम श्योर कि अब से आप इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ ज़रूर से करेंगे। गाइज, वीडियो आपने लाइक किया नहीं ये ज़रूर बताइए, कैसे बताएंगे, लाइक करके बताइए। जी बिल्कुल। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस न करें। बहुत ही जल्दी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज शुरू करने वाली हूं मैं, तो उसके लिए चैनल पर बने रहें। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।